उधर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले रीवा को एयरपोर्ट की सौगात मिल रही है। आज पीएम मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश को छठवां एयरपोर्ट मिलेगा। रीवा में 23 अक्टूबर को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो है, बता दें कि 50-65 लाख आबादी वाले क्षेत्र के विकास को नई उड़ान मिलेगी। 450 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। तो बता दें कि खजुराहो, इंदौर, ग्वालियर के बाद अब रीवा में देश का छठवां एयरपोर्ट होगा। तो रीवा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है और आज इसको लेकर इसे वर्चुअली इसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले रीवा को एयरपोर्ट की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश को छठवां एयरपोर्ट आज मिलने वाला है। आज इसका शुभारंभ होगा। तो भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर, ग्वालियर के बाद रीवा में अब प्रदेश का एयरपोर्ट जो है वो होगा और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में कुल 6 एयरपोर्ट होंगे। बता दें कि 450 करोड़ की लागत से 102 हेक्टेयर में इस खास एयरपोर्ट को बनाकर तैयार किया गया है। 65 लाख आबादी वाले इस क्षेत्र को विकास की नई उड़ान मिलेगी। तो रीवा में 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाला है और उससे पहले अब यहां पर एयरपोर्ट की शुरुआत होने वाली है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। तो रीवा में 23 अक्टूबर को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से पहले इस एयरपोर्ट की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि ये मध्य प्रदेश का छठवां एयरपोर्ट होगा जिसे खास तरीके से तैयार किया गया है। करीब 450 करोड़ की लागत से इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। तो भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर के बाद अब रीवा में भी एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है और आज इसका शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर इस एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बता दें आपको कि 23 अक्टूबर को रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला है, लेकिन इस कॉन्क्लेव से पहले बड़ी सौगात विंध्य को मिल रही है, बड़ी सौगात रीवा वासियों को मिल रही है और यहाँ पर एयरपोर्ट बनने से, यहाँ पर एयरपोर्ट खुलने से जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ की बढ़ेगी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, एक बड़ी सौगात यहाँ पर मध्य प्रदेश को मिल रही है। छठवां एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है और इस एयरपोर्ट के जरिए ना सिर्फ विंध्य बल्कि इसका जो पूरा क्षेत्र है उससे कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए, बाकी एक बड़ी सौगात रीवा विंध्य को मिलने वाली है और ये साफ है कि 102 हेक्टेयर का बनाया गया ये एयरपोर्ट जो है ये सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट है और मध्य प्रदेश का छठा एयरपोर्ट है जिसको लेकर के जो है वो पूरा हो चुका है और आज एक बड़ी सौगात विंध्य वासियों को मिलना है। इस की बात की जाए तो तकरीबन 450 करोड़ की लागत से तैयार ये पूरा एयरपोर्ट सर्व सुविधा युक्त तो है ही सही, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी की बात की जाए तो भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो और इंदौर की ये सीधी कनेक्टिविटी होगी। छठा ये एयरपोर्ट है और इसको लेकर के आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़ के इस एयरपोर्ट का जो है वो शुभारंभ करेंगे। बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पर मौजूद होंगे और तमाम जो बड़े जनप्रतिनिधि है या फिर डिप्टी सीएम है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो एक विंध्यवासियों का आज रीवा में बड़ी सौगात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कॉन्क्लेव होना है 23 अक्टूबर को, उससे पहले ये बड़ी सौगात है। जितने भी इंडस्ट्रियल्स या फिर जितने उद्योगपति उस कॉन्क्लेव में शामिल होने आएंगे उनके लिए एयरपोर्ट एक बड़ा माध्यम होगा आने के लिए। लेकिन अभी कितनी फ्लाइट यहाँ से शुरू की जाएगी, सबसे पहली कौन सी फ्लाइट शुरू की जाएगी, लेकिन इसकी जो कनेक्टिविटी है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। कनेक्टिविटी आपको ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, खजुराहो और से लेकर इंदौर तक ये कनेक्टिविटी जुड़ेगी। छठा कॉन्क्लेव बात की जाए तो छठा मध्य प्रदेश का ये एयरपोर्ट होगा और उसके साथ ही अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश के लिए।
जहाँ पर मध्य प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात जो है मिलेगी, क्योंकि अब तक ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और की बात की जाए तो यहाँ पर जो है एयरपोर्ट मौजूद है, इंदौर में एयरपोर्ट मौजूद है, लेकिन अब रीवा में भी जो है एक बड़ी सौगात मिलने वाली। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, यहाँ पर आज शुभारंभ करेंगे और विंध्यवासियों को जो है रीवा के, इनको ये बड़ी सौगात देंगे। तो जो कनेक्टिविटी जुड़ेगी, जो व्यापार व्यवसाय को लेकर के जो बड़े बड़े रीवा से उद्योगपति हैं वो भी, या व्यापारी जो हैं वो सीधे इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर में जो है अपनी कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ा सकते हैं। और इसको लेकर के अब क्योंकि एयरपोर्ट बनकर तैयार है 450 करोड़ की लागत से, और खुद देश के प्रधानमंत्री आज संबोधित करते हुए यहाँ पर जो है वर्चुअली जुड़ेंगे, और वर्चुअली जुड़ने के बाद इस एयरपोर्ट का जो है शुभारम्भ किया जाएगा। तो आज विंध्यवासियों को ये बड़ी सौगात है। बिल्कुल, यानी कि कॉन्क्लेव से पहले एक बड़ी सौगात विंध्यवासियों को मिल रही है। लगातार नजर बनाए रखेगा।